प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही योगी सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी सरकार बनने के बाद से काफी सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे। वहां उन्होंने गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डेप्यूटी सीएम ने सरकार के 8 साल पूरा होने पर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर कहा कि प्रदेश में सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा एक डूबता हुआ जहाज है, अब इसमें भगदड़ शुरू हो गई है। 8 वर्ष आज केंद्र की सरकार को पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में इस जनसभा का आयोजन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो सुशासन है, जो सेवा धर्म है, उसको लेकर के विस्तृत बात हुई है। मैं आप सभी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इतनी धूप ने आज इस मीटिंग में आप सब आए, आपने सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ही के दिन जो है जुमे की नमाज में कानपुर में जो है बवाल हुआ था, वो आज फिर अलर्ट है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्प है। कहीं भी किसी को भी गड़बड़ी करने की कोई छूट नहीं है। हम पूरी तरह से सजगता से के साथ काम कर रहे हैं। महान दल ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, अब ये उनका आंतरिक विषय है। लेकिन ये हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने बुने जाल में खुद फंस गई है और वो एक डूबता जहाज है, धीरे धीरे सब लोग निकल लेंगे वहाँ से। वहीं अपने रायबरेली दौरे के बारे में डेप्यूटी सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, जनपद रायबरेली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे होने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय मोदी जी ने सर्वसमावेशी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है। वही आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने रायबरेली में बीजेपी जिला कार्यालय के नव निर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ और प्रयागराज का भी दौरा किया, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरि ओम मिश्रा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वही डेप्यूटी सीएम ने लोगों के स्नेह और उनके प्यार के लिए आभार जताया। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।